डिक्रीजिंग पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि फंक्शन दिया है एक्स पे पावर एक्स दिया है, ई इंक्रीजिंग दिया हुआ है, कहां तक के इंक्रीजिंग करेगा। ध्यान देंगे फंक्शन जो दिया एक्स पावर एक्स दिया हुआ है यह इंक्रीजिंग कहां तक करेगा, इसको मतलब इंटरवल बताना है। ध्यान देंगे इसको अगर एक्स पावर एक दिया फंक्शन के फंक्शन अगर मान लीजिए आपको दे देगा तो वहां पर लॉग ले लीजिए, यहाँ लॉग लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर लॉग लेंगे तो यह जगह लॉग हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ यह हो जाएगा ये पावर इसका गिर जाएगा, तो ये पावर इसको अब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका इसको का इसको u मान लीजिए तो क्या हो जाएगा u बाय dx करेंगे तो हो जाएगा वन इसका इसका वन हो जाएगा इंटू हो जाएगा लॉग अब प्लस इसका हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर इसको करेंगे तो x ऐसे करेंगे तो वन गुना वन बाई एक्स हो जाएगा कट जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग हो जाएगा एक्स प्लस वन। उसके बाद ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर यह इंक्रीजिंग कर रहा था इसको हमको जीरो करवाना पड़ेगा, तो जब जीरो करेंगे क्योंकि हमको इंक्रीजिंग कहाँ से मिलेगा, जहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आता है तो वहाँ से मालूम चलता है कि मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा वहाँ, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालना जरूरी है। तो हम का सिंगल डैश को क्या करना पड़ेगा मेरे को वहाँ से का जीरो करना पड़ेगा, अब जीरो कर दिए तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा ई यहाँ पर है तो ई पे पावर माइनस वन हो जाएगा एक्स, मतलब कि ई आ गया यह हो गया। अब इसको डबल डैश करेंगे, इसको डबल डैश करेंगे ध्यान देंगे यहाँ पर डबल डैश करेंगे तो हो जाएगा डबल डैश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसको वन बाई एक्स हो जाएगा आई हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ध्यान देना जरूरी है कि अगर एक्स के मान अगर हम नेगेटिव डाल रहे हैं तो यह डिक्रीजिंग करेगा, एक्स के मान नेगेटिव डालेंगे तो डिक्रीज करेगा यहाँ पर या आपको मिलेगा यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमको तो यहाँ से आगे बढ़ जाए मिल जाएगा यहाँ से तो यहाँ से मैक्सिमम मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देंगे यहाँ पर वन बाई ई है, अगर यहाँ पर वन बाई ई से अगर हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं ध्यान देंगे इंक्रीजिंग की बात करता है तो इंक्रीजिंग जब यहाँ से बड़ा रहेगा तब तो हो जाएगा यहाँ से जब बड़ा रहेगा तब बात करेगा, इसका मतलब कि यह अगर हम ऐसा मान डालें जो का इसलिए बड़ा हो जाए तो इसलिए बड़ा डालेंगे तो इधर प्लस आने वाला है, इधर से अगर इसलिए बड़ा डालें तो इसमें अगर बड़ा होगा डाला जाए तो इसके मान का हो जाएगा इसके बड़ा हो डाला जाए यहाँ पर तो इसका आपको प्लस में आएगा सही बात को। तो अब ध्यान देना यह प्लस आ जाएगा यहाँ पर जैसे वन और टू हो इससे बड़ा हो जाएगा आया माइनस, इसका मतलब कि हमको इंक्रीजिंग कहाँ से किया हुआ है तो इंक्रीजिंग वो कह रहा है कि एक्स के बड़ा अगर रहेगा ई पे पावर ई से अगर बड़ा रहेगा तब यह इंक्रीजिंग करेगा, इसका मतलब कि ई और इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा यह इंक्रीजिंग कर रहा है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि हम क्या करेंगे ए ग्रेटर देन ई पे पावर रहेगा तो यह हो जाएगा इंक्रीजिंग, इसका मतलब कि आपका ऑप्शन जो होने वाला है यह इंक्रीजिंग इसलिए बड़ा डालेंगे यहाँ पर या आपका इंक्रीजिंग करना स्टार्ट हो जाएगा सही बात को। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग करेगा यहाँ से मान डालेगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है आपका ए इंक्रीजिंग हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं यह दूसरा क्वेश्चन है यह कह रहा है आपका कॉस एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू इसको बताना है कि मिनिमम वैल्यू इसको क्या होगा, तो ध्यान दें कि मिनिमम वैल्यू बताने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको हमको सिंगल डैश करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा टू साइन थीटा, और कह रहे मिनिमम बताने के लिए यहाँ ध्यान देंगे इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको जीरो कर लेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं तो साइन हो जाएगा साइन थीटा टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा तो हो जाएगा यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ फोर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो कट जाएगा साइन से साइन तो फोर साइन फोर कॉस थीटा इक्वल टू वन माइनस आ जाएगा तो कॉस थीटा के मान जो आ जाएगा आपका वन बाई फोर हो गया या वन बाई फोर आ गया समझ गए। अब ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर तो
इसको डबल डैश करते हैं तो साइन थीटा माइनस टू साइन टू थीटा को डबल डैश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा फोर कॉस थीटा। ओके इसको अगर मान डाला जाए यहां पर ध्यान देंगे इसको तोड़ देंगे इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, इसके मान डालेंगे तो यह हो जाएगा माइनस माइनस इसका प्लस हो जाएगा वन बाई फोर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा इसको डालेंगे तो हो जाएगा फोर का था टू इंटू हो जाएगा वन बाई सोलह माइनस वन तो ये हो जाएगा वन बाई आठ तो वन बाई चार हो जाएगा ध्यान देंगे ये हो जाएगा आपका वन बाई आठ तो यह आ जाएगा वन बाई फोर माइनस हो जाएगा फोर इंटू हो जाएगा सात, सात माइनस आठ हो जाएगा यहाँ पर वन बाई चार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर ही कट जाएगा सेवन बाई हो जाएगा टू तो कटाएंगे यहाँ से तो हो जाएगा टू ऊपर जाएगा ये हो जाएगा सोलह, सोलह के स्क्वायर करेंगे चाहते होगा सोलह हो जाएगा, सोलह के स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आठ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर फोर था यहाँ पर यदि करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका फोर देख रहे हैं तो यहाँ से आपको हो जाएगा प्लस तो ये दोनों प्लस हो इसका मतलब कि यहाँ पर मिनिमम मिलने वाला है, कहाँ मिलेगा मिनिमम, अब मिनिमम मिलेगा इतना पर इसका मिनिमम मिलेगा इसका मतलब कि यहाँ पर इसको मान नहीं डालना है हमको मान डालना इस पे डालना है मान समझेगा, यह मिनिमम बता दिया कि यहाँ से मिनिमम मिलने वाला है हमको माइनस वन बाई फोर पे क्या मिलने वाला है मिनिमम मिलने वाला है समझ गए। अब क्या करना है इसको मिनिमम मिलेगा तो ध्यान देंगे बस इसको यहीं पर हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से कहा दिया होगा यहाँ पर कॉस कॉस थीटा और प्लस कॉस टू थीटा दिया इसको टू थीटा को बदलेंगे तो यहाँ पर इसका हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इसको डालेंगे यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो टू इंटू हो जाएगा वन बाई हो जाएगा सोलह माइनस वन ये हो जाएगा माइनस वन बाई फोर यहाँ से कटेंगे तो यहाँ कटेगा वन बाई एट हो जाएगा तो वन बाई फोर माइनस हो जाएगा वन बाई एट या माइनस वन तो ये सब माइनस माइनस में होगा इसका मतलब कि हम ध्यान देंगे यहाँ नीचे एट आ जाएगा यहाँ टू हो जाएगा यहाँ वन यहाँ पर हो जाएगा एट समझ गए तो यहाँ से एट आ जाएगा यहाँ से टू हो जाएगा तो इसको निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा जी माइनस टू फोर हो गया या प्लस में ना प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में तो हो जाएगा यहाँ से दस दस में से जाएगा नौ हो जाएगा नौ बाई आठ मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा आपका नौ बाई आठ मतलब कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा है और आप लोग इसलिए थोड़ा सा इधर से उधर करना पड़ेगा तो आई होप समझ में आपको आया होगा। दो क्वेश्चन था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो बहुत बार इसको जेई मेंस में पूछा गया था और एनडीए वाला पूछा गया था यह क्वेश्चन इस हो सके आई होप आपको अगला एनडीए जो अप्रैल में होने वाला है वह एग्जाम में आ सकता है इसलिए इसको बताएं और कंसेप्ट क्लियर करवाएं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो जो भी लॉग अगर फंक्शन में फंक्शन रहेगा तो उसको लॉग ले लीजिए सिंपली तरीका से आ जाएगा। अब का उसको मैक्सिमम अगर मिनिमम बताना के प्रयास करेगा तो वहाँ पर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और नहीं तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट आता तो क्रिटिकल पॉइंट पर ही कहा था इंक्रीजिंग का साइन चेंज करता है इतना आपको दिमाग में बैठाया गया होगा। तो यार आई होप समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नए उमंग के साथ। तब तक जाने को मत दीजिए। जय हिंद।